उन्हीं लोगों उन्हीं जीवनों में रहता है जो लिखे हुए वचन को पूरा करते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, वचन ही परमेश्वर। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और कुछ भी वचन के बिना उत्पन्न। उत्पत्ति में लिखा कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला उजाला हो गया। लिखा हुआ वचन लिखा परमेश्वर के साथ था। कौन था वो? जीसस, क्योंकि वही वचन देहधारी हुआ। अब जो लिखा हुआ वचन है, जब एक व्यक्ति लिखे हुए वचन से प्यार करेगा, पवित्र आत्मा उससे प्यार करेगा, और जो कुछ उसकी जिंदगी में नहीं है वो उसकी उत्पत्ति करेगा। तो ताकत को पैदा करना शुरू कर दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपने लिखा हुआ वचन नहीं किया, आप न्यू फिल्में देखते, आप रिलेशनशिप्स में हैं, आप लोग, आपका शरीर पवित्रताई में नहीं है, आपका जीवन परमेश्वर के वचन पे आप चलते नहीं, आप चोर हैं, आप अपने माता पिता को गालियां निकालने वाले हैं, आप झूठी गवाहियां देते हैं, आप लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, आप मौका देखकर क्रिश्चियन बन जाते हैं, मौका देखकर लंगर प्रसाद खाने चले जाते हैं, आप अलग टाइप के क्रिश्चियन हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि पवित्र आत्मा कि आने की आवाज आती है, जाने की नहीं आती। मेरी लाइफ का बड़ा एक शॉकिंग दिन था। मैं नया नया मिनिस्ट्री में आया, क्योंकि मैं 6 महीने से मैंने ले हैंड शुरू कर दिया था, 6 महीने मसीह में आने के बाद। लेकिन मैं अभी लोगों को जानता नहीं था इतना, तो ऐसे दिक्कतें होती थी। पहले क्रिश्चियन पंजाब में कम होते, तो कभी उधर धरना चल रहा है, कभी उधर धरना चल रहा है, तो मैं कई बार वो अटेंड करता था, धरना में जाता था। वहां पे एक बंदा था, सुबह उस मैं जब उसको
बाल खोलो, बाल खोलो।